आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड भाजी। तो उसके लिए यहाँ देखिए हमने ब्रेड ले ली है और भाजी बनाएंगे हम। आप पूरी वीडियो फुल वॉच करना और बहुत ही टेस्टी भाजी बनने वाली है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं। यहाँ आलू बॉईल कर लिए हमने और ये हमने बैंगन बॉईल कर लिए हैं और टमाटर को हमने कद्दूकस कर लिया है यहाँ पे और प्याज ले ली है, इसे भी हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। और लहसुन ले लिया है मैंने और यहाँ देखिए टमाटर प्याज सबको कद्दूकस कर लिया है। कढ़ाई में ऑयल कर लिया है मैंने और कढ़ाई को अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने पहले, क्योंकि छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना वो आ जाते हैं, तो अच्छे से धूल मट्टी होती है तो उसे धो लेना चाहिए कढ़ाई को पहले। यहाँ पे हम घी और जीरा डाल रहे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी जरूर करना, शेयर भी करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ देखिए हमने प्याज और तेज पत्ता डाल दिया है इसमें और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। आप जो भी चाय मसाले डाल सकते हैं, मैंने जो मेरे पास था वो मैंने मसाले यहाँ पे डाल दिए हैं और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। और उसके बाद देखिए हमने टमाटर डाल दिए इसमें, उसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। ऊपर से हमने इसमें देखिए लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया है, उसे भी मिक्स कर दिया है। और थोड़ी देर और इसे हम इस तरीके से चलाएंगे, इससे कि जो है हमारा मसाला ना अच्छे से भुन जाए और ऑयल ऑयल ऊपर आ जाए। और उसके बाद जो हमारे बॉयल आलू थे और जो बैंगन हमने बॉयल कर लिया था ना, उसे हम इसमें डाल देंगे और इस तरीके से देखिए मैशर से मैश कर देंगे इसे। आराम से करना है कि कढ़ाई नहीं कहीं गिर जाए, इसीलिए कढ़ाई को पकड़ के और तब हमें मैश करना है। और इस तरीके से हम देखिए मिक्स करके और इसमें ऊपर से हम थोड़ा सा रेड कलर डाल देंगे, जिससे कि इसका कलर थोड़ा अच्छा लगे पाव भाजी का। ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस हमने आलू और बॉयल बैंगन से ही देखी भाजी बनाई है, बहुत ही टेस्टी बनी है। ऊपर से थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल रहे हैं हम और इसमें पाव भाजी मसाला डाल देंगे। ये देखिए हमारा मैंगो पाउडर है, ये डाल रहे हैं। यहाँ देखिए हमारी पाव भाजी बन करके रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से है। आलू और बस बैंगन को बॉईल करके बनाई है हमने और थोड़ा सा हमने इसमें पानी लगा दिया है। और देखिए हमारी पाव भाजी बहुत ही टेस्टी बनी है। अब देखिए हम ब्रेड को सेक लेते हैं। तो उसके लिए हमने ब्रेड ली है, देखिए ब्रेड को भी सेक लिया है और ब्रेड भाजी हमारी बनकर के रेडी हो चुकी है। कैसी लगी आपको प्लीज बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।